सो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं हम कि कस्टमर ने जब हमारे शॉप से ऑर्डर कर दिया है, उसको हम कैसे डिलीवरी प्रोवाइड करवाएंगे और कैसे उसकी जो ऑर्डर है उसको मैनेज कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो तीसरी ऐप काम करेगी, अभी तक हम दो ऐप के बारे में सीख चुके हैं। एक माई ग्रोसर बिजनेस ऐप के बारे में, जहाँ से हम प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। दूसरा था हमारा CSE ग्रामीण ई स्टोर ऐप, जहाँ से कस्टमर क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा। अब तीसरी ऐप की जो है टर्न है, जिसको हम कह सकते हैं कि जहाँ से हमें क्या करना है, ऑर्डर को मैनेज करना है। कितने ऑर्डर हमारे पास आए हैं, किस कस्टमर को हमने सर्विस डिलीवर करनी है, शिपमेंट करनी है, क्या है, ये सारा हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकन को, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्लिक करेंगे हम माई ग्रोसर ऑर्डर के ऊपर। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जिसके ऊपर हमें तीन चार ऑप्शन ऊपर मिल जाते हैं। सबसे पहले ऊपर मिल जाता है न्यू ऑर्डर का, जो भी नया नया ऑर्डर आया होगा वो आपको शो करेगा। फिर उसके बाद शिफ्ट ऑर्डर मिल जाते हैं, जो आप ऑर्डर शिफ्ट कर चुके होंगे वो मिल जाएगा। फिर डिलीवर्ड ऑर्डर जो हो चुका होगा डिलीवर, तो वो दिख जाएगा। और उसके बाद जो कैंसिल अगर कोई ऑर्डर किया है या करना है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और लास्ट में आता है ऑल ऑर्डर्स का, अगर सभी ऑर्डर आपने, सभी प्रकार के ऑर्डर आपने देखने हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके के आपको इंटरफेस मिल जाता है। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यू ऑर्डर की। यहाँ पर हमें एक नया ऑर्डर जो आया है, यहाँ पर 230 रुपीज़ का, जो कि 5 टोटल आइटम्स हैं इसमें, और कैश पेमेंट के लिए है जब हम डिलीवर करेंगे। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे दोस्तों। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ इस तरीके का खुलकर आ जाता है, जिसमें सब कुछ आपको बताया जाता है यहाँ पर कि किस तरीके का ऑर्डर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको स्वाइप करेंगे। जैसे हम स्वाइप कर देते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर क्या कहता है कि स्वाइप आफ्टर डिलीवरी। यहाँ से जो ऑर्डर हमने स्वाइप कर दिया, ऐसा करने से क्या हुआ गया कि ऑर्डर जो आपका रेडी हो गया। अब इसको हम डिलीवर कर देंगे। पहले जब यहाँ पे देखिए, शिप्ड ऑर्डर में पहले कोई ऑर्डर नहीं था, अब यहाँ पे शिप्ड ऑर्डर में एक ऑर्डर आ चुका है। यानी कि कस्टमर को एक मैसेज चला जाएगा, उसको ये पता चल जाएगा कि भाई आपका ऑर्डर जो है अब रेडी है, वहाँ से आपको शिप्ड होने के लिए, मीन्स कि पैक हो चुका है और आपको आने वाला है। अब यहाँ से आप डिलीवर ऑर्डर पर जाएंगे, तो यहाँ पर कोई अभी एक ही ऑर्डर जो है डिलीवर हुआ है, तो हम यहाँ पर शिप्ड ऑर्डर पर आ जाएंगे। और शिप्ड ऑर्डर पर आके आप क्लिक करेंगे। जैसे हम शिप्ड ऑर्डर पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको स्वाइप करेंगे। स्वाइप करने का मतलब क्या है कि आपने ऑर्डर जो था वो डिलीवर कर दिया, और यहाँ पर आपको लिख कर आ गया नीचे, देख सकते हैं आप, ऑर्डर जो है आपका डिलीवर हो चुका है। अब हम वापस आ जाएंगे और न्यू ऑर्डर पे जाके देखेंगे, तो यहाँ पर कोई भी ऑर्डर आपको बचा दिखेगा नहीं। तो जो था आपका ऑर्डर, ये सक्सेसफुली डिलीवर हो गया। मीन्स कि जब आप कस्टमर के पास जाएंगे, आपको सबसे पहले न्यू ऑर्डर में शो करेगा। न्यू ऑर्डर के बाद आपने यहाँ पर नीचे स्वाइप करना है, स्वाइप करने से ऑर्डर शिपमेंट में चला जाएगा। ठीक है, न्यू ऑर्डर से आपने स्वाइप किया, स्वाइप करने से ऑर्डर शिपमेंट में चला गया। शिपमेंट में जाके आपको तब स्वाइप करना है जब आप कस्टमर को क्या कर दोगे, ऑर्डर डिलीवर करोगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो है ऑर्डर डिलीवर्ड हो जाएगा और यहाँ से आपका ऑर्डर डिलीवर में शो करना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि अब तक के वीडियो आपको पसंद आए होंगे। इस सर्विस से जुड़ी हुई और भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ BLE Hub में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना वीडियो को ना भूलें।